काला किसी का झंडा लाल है। इस पीले को रोक सके वो कौन माई का लाल है। गोंडवाना को रोक सके वो कौन माई का लाल है। ठीक है, किसी का भगवा किसी का काला किसी का झंडा लाल है। गोंडवाना को रोक सके वो कौन माई का लाल है। अरे किसी का भगवा किसी का काला किसी का झंडा लाल है। गोंडवाना को रोक सके वो कौन माई का लाल है। अरे हम क्या चाहते गोंडवाना। अरे सारे बोल लो गोंडवाना। अरे मिलकर बोल लो गोंडवाना। अरे लेकर हिक्के की जरूरत समाज को है। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी जान गवा दे, अपना राजपाट ना देखे, अपनी संपत्ति ना देखे। इसलिए हम लोग जय लंकेश कहते हैं नारियों के सम्मान में जो हमारे पुरुष शक्ति को जन्म देती है। मेरे भाई एक ही नारा एक ही देश जय लंकेश जय लंकेश। अरे सारे बोल लो जय लंकेश। फिर करवा लो जय लंकेश जय लंकेश। दोस्तों बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे इस उद्घोषण का, जिसको आपने बिना इंटरप्शन के इतने प्यार से सुना। मैं उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को देख रहा था जो गौर से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर दो चार बार ऐसी क्लास हुई ना तो हमारा आदमी सजग जरूर हो जाएगा, मगर हम ना तो हथियार से लड़ेंगे ना किसी औजार से लड़ेंगे। अरे बुद्धिमानों की औलाद है हम, कलम की तलवार से लड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो एहसान आदिवासी समाज पे किया है वो एहसान के पीछे वजह है मेरे भाई। मुंबई से और भंडारा से जब जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको चुनाव हरा दिया गया था। तब वो उस समय पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पे बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था। वहां पे चुनाव लड़ने के बाद बाबा साहब अंबेडकर इस लायक बने कि वो संविधान समिति तक पहुंच सके। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। और चूंकि आदिवासी क्रांति की वजह से उन्हें जमीन मिली थी, इसलिए उन्होंने आदिवासियों को उनकी पांचवी अनुसूची का अधिकार दिया, छठवीं अनुसूची का अधिकार दिया मेरे। मगर इन दिकुआ ने जब पांचवी छठवीं अनुसूची का अधिकार और आदिवासियों के अधिकार का प्रभाव देखा तो देश पे हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए मेरे भाई इन्हीं टीकुओं ने, इन्हीं 15% लोगों ने। और उसके बाद जिस जिस क्षेत्र से आदिवासियों का आंदोलन मजबूत था, जिस जिस क्षेत्र से मूल निवासियों का आंदोलन मजबूत था, उस क्षेत्र पे इन्होंने कुछ नहीं ऐसे ही झंडा और डंडा टांग दिया आदिवासियों के गले में,
मूल निवासियों के गले में और बोल दिया कि देश की आजादी के लिए चलो, और मुसलमानों को बता दिया कि ये लोग हिंदू है, जाके मार दो। और ये वजह थी जो पाकिस्तान बना, क्योंकि जो हमारे लोग चुन के गए थे वो तक्षशिला क्षेत्र से चुन के गए थे, वो लोग उस समय के पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र से चुन के गए थे। उस क्षेत्र पे आदिवासियों की सरकार थी मेरे भाई। आदिवासियों को नष्ट करने के लिए मुसलमान वर्सेस हिंदू का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, इस बात को जानना होगा मेरे भाई। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, वो जो कहता है सामने से कहता है, उससे बड़ा दुश्मन तो वो है जो हमारे भाई को हमारे खिलाफ कहता है। तो वो कौन है जो घर घर जाके प्रवचन करता है, वो दुश्मन है, ना कि मुसलमान दुश्मन है, ना कि कोई सरदार दुश्मन है मेरे भाई। इस बात को अगर मर्द होंगे ST OBC और माइनॉरिटी, वो अपने दिमाग में घिस ले, क्योंकि बैलों को समझ में नहीं आता, सिर्फ इंसानों को समझ में आता है। अगर इंसान हो तो दिमाग पे घिस लो और अपने घर में जाके बताना कि जो इतिहास हमसे छुपाया जाता है, जो इतिहास हमसे झुठलाया जाता है, उस इतिहास को हम उजागर करके रहेंगे, क्योंकि हम नालायक संतान नहीं है, हमको अपने पूर्वजों के सम्मान की चिंता है। और आज की यह सभा हमारे उन पूर्वजों के सम्मान के खातिर थी, और यहाँ पे इस सभा का मैं मुख्य अतिथि स्वीकार करते हुए अपने विचारों को आप तक रखा हूं। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम लोग ध्यान से सुन लो, नहीं तो तुमको रास्ते में कोई भी झप्पड़ मारेगा, थप्पड़ थप्पड़, समझ गए ना। इसलिए इधर उधर दूसरे के दुकान पे जाके मंजीरा ढोकला नहीं पीटने का, अभी चालू होने वाले तो जाके दूसरे के दरवाजे में भीख मांगते हो क्या 10-20 रुपए के लिए वहां पे? अरे तुम तो जमीन के मालिक हो, तुम्हारे पास तो करोड़ों की संपत्ति है। अगर आदिवासी अपनी फसल उगाना बंद कर दे तो ये देश भूखा मर जाएगा मेरे भाई, हकीकत की बात है। तुमको किसी के घर में जाके मंजीरा बजाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने समाज के लिए ढिंढोरा पीटो, तब तुम्हारा समाज में तुम्हारा भी सम्मान होगा, तुम्हारे भाई बहनों का सम्मान होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का सम्मान होगा। और इसी के साथ, इसी सम्मान के लड़ाई के लिए मैं आवाज करते हुए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा थोड़ा शरीर भी थक रहा है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्रांतिकारी सलाम, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने इतने प्यार से सुना। और इतना ध्यान से याद रखना मेरे भाई, आपके परिवार की इज्जत ही आपकी इज्जत है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी इज्जत बचाने। अरे पहला फुसला के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कितना इधर उधर पे क्या किया जाता है मैं जानता हूँ। अभी हम लोगों ने ठोको अभियान भी चालू करके रखा है, तो बहुत ठुकाई भी कर देते हैं और ले जाके थाने में हवाले कर देते हैं और एट्रोसिटी भी लगवा देते हैं। तो इसलिए कहता हूँ सावधान रहो, सावधान इंडिया भी देखते रहो और अपने समाज की रक्षा खुद करो। और साथ ही साथ दूसरी चीज, आखिरी बात कह रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोल दिया, ध्यान से सुन लेना। अरे जो लोग तुम्हारे समाज की हकीकत पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सम्मान करो, और उनके खिलाफ अगर कोई बोले ना तो वही उसका कलर पकड़ लो, कहना साले दोबारा बोला तो काट के रख देंगे। ये असली खून है आदिवासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी कोई अंशुल भैया के सम्मान में नारा लगाएंगे, अंशुल मर्दान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे पीछे वाले बोला ला है, सामने वाले ने इतनी बात समाज के सामने रखी, अपने भेजे में घिसे की नहीं भैया? हाथ उठाओ जिसके जिसके भेजे में घुसा हो, और अंशुल भैया का नारा लगाएंगे, बना के रहेंगे, लेके रहेंगे, मिलकर बोलो सारे, बोलो मैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन
ये जो हम गोंडवाना गोंडवाना बोल रहे हैं ना, ये गोंडवाना समाज के लिए बोल रहे हैं। पहले अपनी धर्म भाषा संस्कृति ये सब बचाओ, उसको बनाओ, फिर आगे सब देखते रहिए क्या होगा क्या दिखेगा बाद में। ताली ठोको भाई। आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने उद्बोधन में समाज को क्या क्या नहीं दे दिए, जल जंगल जमीन सारी बातें, बस आपको उसमें चलने की जरूरत है। अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को बचाने के लिए हम जो चाहे वो करेंगे, इसका संदेश संसुल भैया के उद्बोधन में हमको सुनने को मिला। मैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का उपाध्यक्ष होने के नाते भैया अंशुल साहब मरकाम का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, और बड़ा देव बूढ़ा देव तमाम देवी देवताओं से मैं ये विनती करना चाहूंगा कि भैया अंशुल साहब मरकाम को लंबी उम्र दे, हमारी सभी की उम्र अंशुल भैया को लग जाए। भैया ने एक बात बोली थी कि मैं जब भी आता हूं मैं 2 घंटे स्टेशन में अकेला रहता हूं, उसके लिए भैया हम आपसे माफी चाहते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप सभी कोई सहमत हैं? इसी के साथ मैं भैया अंशुल मरकाम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और समाज की तरफ से ये दुआ करूंगा कि आप हम सबके बीच में ऐसे आते रहें और समाज में नई नई चेतना जगाते रहें, जिससे हमारा समाज दिन ब दिन फलता फूलता खिलता रहे। आज उसका यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पे हमको लगता है शायद आधे घंटे के बाद जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ से गायक जो गोंडी गीत के गायक हैं भानु रंगीला और बसंती रंगेली जी,